वेलकम टू द सेकेंड वीक ऑफ ट्यूटर कोर्स। तो इस वीक का जो हमारा गोल है वो है टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव यू आई एंड हैव एन इंट्रोडक्शन टू द इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल यू आई। सही है, इसमें बहुत ज्यादा हम एडवांस नहीं चाहेंगे, बट जो चीज आप लोगों ने पढ़ी है उसको दोबारा से दोबारा दोबारा बार बार रिपीट होगी वो चीजें। सही है, और साथ में हम कुछ और जो विजिट्स हैं उसको हम डिस्कवर करेंगे। सही, तो जो इस सेशन में हम जो डिजाइन करेंगे एक प्रोजेक्ट, वो आपको मैं थोड़ा सा आप लोगों के शेयर कर दूं। ओके, बिहांस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है ना आपको ओपन सोर्स या आपको जो है ना यूआई मुख्तलिफ मिल जाएंगे। सही है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए कुछ एप्स देखनी है कि आप लोग कहाँ से बना सकते हैं, तो बिहांस पे ये सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। सही है, आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए आप मतलब लॉन्च करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे उसकी वो, फिर आपने परमिशन देखनी होगी कि आया ये जो डिजाइन है ये ओपन सोर्स है या नहीं है। सही है, बट प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर, तो आज का जो हमारा गोल होगा वो इस ऐप का यूआई डिजाइन करना होगा। क्लियर, और ये जो आपको ये वाला स्क्रीन नजर आ रहा है इसको भी हम इसी तरह डिजाइन करेंगे जिस तरह ये नजर आ रहा है। सही है, इसको हम कोई ग्राफिक वगैरह यूज नहीं करेंगे, इसको हम इसी तरह डिजाइन करेंगे। सही है, और जो मकसद होगा इससे हमारा जो जो मेन गोल होगा वो आपको डिफरेंट विजिट्स की जो फंक्शनलिटी है वो दिखानी है। सही है, कि उसको आप कितना आपका अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। सही, एंड देन इसमें हम थोड़ी बहुत राउटिंग भी करेंगे। सही है, एक स्क्रीन से हम दूसरे स्क्रीन पे राउट करेंगे। क्लियर, सो आज का जो हमारा गोल होगा वो इस ऐप को डिजाइन करना होगा। सही है, ये जो ऐप का डिजाइन है ये बनाना पड़ेगा हमें। सही, ओके, सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। एक मिनट, इसको मैं क्लियर स्क्रीन देख लूं, जो क्लियर हो थोड़ा ज्यादा, तो वही से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्क्रीन वी नीड टू डिजाइन इज दिस वन। सही है, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास कितने स्क्रीन होंगे, फॉर टाइम बीइंग इसमें दो स्क्रीन होंगे। सही है, इसको आप लोग अगर बाद में अपने लिए एक्सटेंड करना चाहें तो आप लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सही है, बट फॉर नाउ इसमें दो ही स्क्रीन होगी। सही है, एक हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन होगा। सही है, जो आप जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में एक एप्लीकेशन आता है जिसको हम सॉरी स्क्रीन आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। सही है, तो ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन होगा। सही, यहाँ पर आप लोग ये भी सीखेंगे कि आप लोग स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं, वहां पे आप लोगों ने स्प्लैश स्क्रीन कैसे रखना है, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट कैसे करना है ऑटोमेटिकली। सही है, एंड सेकंड हम बनाएंगे फिर ये वाला यूआई। सही है, तो इसमें आप लोग सीखेंगे जो फ्लेक्सिबल यूआई है, आपने इसको चीजों को कैसे फ्लेक्सिबल रखना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर, स्टार्ट से बनी नहीं है ये एप्लीकेशन, अभी हम बनाएंगे, इसमें हमें बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे यूआई में भी। सही है ना, डेवलप करते हुए, और इसका मकसद हमारा ये होगा कि आप लोगों को मैं ये भी सिखा दूं कि यूआई डेवलपमेंट के दरमियान अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने उसको अपने लिए कैसे रिजॉल्व करना। क्लियर, सो आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिस ऑन दिस एप्लीकेशन, सो इसको ऐप को हम स्क्रैच से ही यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर, सो स्टार्टिंग विद क्रिएटिंग आवर प्रोजेक्ट। So this is Flutter, Boss One, Bash One, and यहाँ पर हम project create करेंगे Flutter create Anton X slash calculator। सही है? Yes. So this is how we create our project। तो यहाँ से हमारा project create होगा, and उसके बाद हम application बनाने की तरफ जाएंगे। ओके, इज नॉट अ वैलिड डॉट नेम, आई थिंक यहाँ पे हमें अंडरस्कोर देना पड़ेगा। सॉरी, सो आवर प्रोजेक्ट इज रेडी, लेट्स यूज इट नाउ।
Okay, so from here, I'm going to open an existing Android Studio project. Or Git, or Git ke andar fir protocols, batch one and calculator for here. Okay, now, इसको क्लोज करना पड़ेगा. सीवी गेट ओके. तो यहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने गेट रिपोजिटरी क्रिएट की थी, सही है. तो वहां पर मैं देखता हूं गेट स्टेटस उसका फर्स्ट. ये कह रहा है कि आपने एक और फोल्डर उसमें ऐड किया हुआ है डायरेक्ट फाइल, सही है. उसको मैं ऐड कर देता हूँ, सही है. गेट एड एंड गेट कॉमिट इनिशियल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट क्रिएटेड, सही है. तो ये हमने यहाँ पे एक कॉमिट कर दिया है, अब इसको हम पुश कर देंगे, सही है. ये चले, इसको मैं चेकआउट करता हूँ एक और ब्रांच पे. चले फिलहाल चेकआउट नहीं करते हैं, इसी को डायरेक्टली पुश कर देते हैं. गेट पुश ओरिजिन मास्टर. आवर एट प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. जस्ट प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. ओके थैंक यू. सो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, सही. अब यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ अपना फोन और इसको हम करते हैं रन. ओके हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और आप लोग को पता है कि ये हमारे पास एक काउंटर एप्लीकेशन है, सही. इसी को ये कोड रिमूव करके अभी हम दोबारा से इसको जो नया एप्लीकेशन है उसको बनाएंगे. So, इसको तो मैंने रन कर दिया है. still Gradle is running. Okay. So, जब तक ये रन होता है हम इसका थोड़ा डायरेक्टली स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं अपने लिए, सही है. आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें आपका जो डायरेक्टली स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, सही है. तो जो डायरेक्टली स्ट्रक्चर आप लोगों ने रखना है उसको आप लोगों ने, आपको बता दूं किस तरह रखना है उसको. फर्स्ट आपने आप अपने मल्टीपल फोल्डर्स बना दें, सही है. फर्स्ट मैंने बनाई है यूआई के लिए, सही है. इसमें सारा यूआई पड़ा रहेगा, सही है. दूसरा मैं बनाता हूँ कोर, सही. तो फर्स्ट आप लोगों ने इन दोनों में डिवाइड करना है दोनों को, सही है. अब मैं कोर की तरफ नहीं जाता, जब उसकी जरूरत आएगी तो उसकी तरफ मैं जाऊंगा, फिर क्लियर. अच्छा, यूआई में हमारे पास क्या होंगी, स्क्रीन्स होंगी. एंड इसमें मैं कुछ करता हूँ कस्टम विजिट्स, उसको मैं नाम देता हूं कस्टम विजिट्स. अच्छा, जो डार्ट की जो नेमिंग कन्वेंशन, जो नेमिंग है, मैं फोल्डर की जो नाम दे रहा हूं किस तरह दे रहा हूं, अगर मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, देखें स्मॉल है फिर अंडरस्कोर है और हमारे पास सेकंड वर्ड है, तो इसकी पूरी एक नेमिंग कन्वेंशन है जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, सही है. नेमिंग कन्वेंशन का हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि
एक प्रोजेक्ट पे जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो सारे सिंक्रोनाइज्ड हो, सही है। अगर मैं जिस तरह नेम यूज करता हूँ जो बाकी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो भी वही नेम ही यूज करें, सही। या लेट सपोज कल को कोई दूसरा डेवलपर आता है वो हमारा प्रोजेक्ट ओपन करता है, तो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है उसको मैंने नेम किस तरह किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अगर उसको नेमिंग कन्वेंशन का पता है तो उसको पता चल जाएगा कि यार इस वेरिएबल का जो मेन मकसद है वो क्या है, ये नॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास नेम है, सही है ना, ये कॉन्स्टेंट है, सही है, उन सब सब चीजों का उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्लियर। तो नेमिंग कन्वेंशन हम इसलिए यूज करते हैं। तो जो डार्ट की नेमिंग कन्वेंशन है उस पर मैं एक आर्टिकल आप सबसे शेयर कर दूंगा, सही है, तो उसको आप लोगों ने देखना है, सही है, एक नज़र कि आप लोगों ने फोल्डर का नाम कैसे देना है, फाइल का नाम कैसे देना है, सही है। इसको मैं यहाँ पे अपने साथ मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं फिर सेंड कर दूँ इसको। ओके, सो दैट इज नेमिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन रिसोर्सेस। ओके, सो नेमिंग कन्वेंशन भी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। अभी हमारा जो एप्लीकेशन था वो रन हो चुका है, क्लियर। यहां तक हमारा जो करंट कोड था वो रन हो चुका है। अब मैं यहां पर आता हूं और इसको मैं जितना भी कोड है उसको मैं रिमूव कर लेता हूं, जो एक्स्ट्रा कोड है और टाइमिंग में थीम भी रिमूव कर लेता हूं यहां से। ओके, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट एप्लीकेशन जो फर्स्ट लास्ट एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी उसकी हमने जो जो स्क्रीन की क्लासेस थी वो यहीं पर नीचे बनाई थी, सही है। बट ये एक बेहतर तरीका नहीं है कि आप एक ही फाइल में जो है ना मल्टीपल क्लासेस एक साथ डाल दें, सही है। बेहतर तरीका क्या है कि आप लोग हर एक स्क्रीन को एक अलग फाइल में बनाए, सही है। तो अभी हम वही तरीका फॉलो करेंगे, क्लियर। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन का फोल्डर है तो यहाँ पर मुझे दो स्क्रीन चाहिए, एक मुझे स्प्लैश स्क्रीन चाहिए, सही, और दूसरी मुझे चाहिए कैलकुलेटर स्क्रीन, सही है, या आप इसको मेन स्क्रीन कर दें, जो आप जो जो नाम आपको बेहतर लगे, सही है। अच्छा, अभी जो पुराना कोड था जो हमारा रन हुआ है तो वो हमें यहां पर दिख रहा है कि वो वही हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो ये। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मेरे पास अभी आ गई है दो स्क्रीन्स, सही है, एक स्प्लैश स्क्रीन है और दूसरा हमारे पास जो मेन कैलकुलेटर का स्क्रीन है। अब हम यहां से फर्स्ट मैं यहां पे क्लास बना लेता हूं इंपोर्ट मटेरियल। अच्छा, अब मटेरियल क्या है, मटेरियल जो क्लास में हमारे पास जितने भी हमारे पास मटेरियल विजेट्स है ना वो सारे यहीं से इम्पोर्ट होता है, सही है, इसमें सारे वो डिफाइंड है। अगर आपने देखना है तो आप इसको देख भी सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो आएंगे ना ये सारे आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, सही है। फिर ये हर एक क्लास की जो है ना अलग अलग जो है ना वो क्लासेस, ये देखें, ये हमारे पास जो टीम की क्लास है इसको आप पूरा देख सकते हैं, इसको अपने लिए उठा के इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, सही है, बट हमें नहीं चाहिए राइट नाउ तो इसको टाइमिंग छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर हमने मटीरियल मटीरियल डार्ट को इम्पोर्ट किया है, सही है। एंड देन हम बनाते हैं एक स्टेटलेस क्लास जिसको हम नाम देते हैं स्प्लैश स्क्रीन, सही है। तो यहां पर आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊं कि जो नेम मैंने ये देखें क्लास का नेम जो है वो अपर केमल केस में रखा हुआ है, सही है। केमल केस हमारे पास वो होता है जो लेट्स सपोज आपके पास एक वो दो एक नेम बनता है दो वर्ड्स से, सही है, तो आप उसको जो है ना उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखें, सही है, इसको हम कहते हैं केमल केस, सही है। फिर केमल केस में हमारे पास दो होते हैं, एक अपर केमल केस होता है एक लोअर केमल केस होता है, सही है। तो ये हमारे पास अपर केमल केस है, अपर केमल केस में ये होता है कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना ये वाला ये भी कैपिटल होता है, और अगर आपने लोअर केमल केस करना है तो हम स्मॉल करते हैं, सही है। तो क्लास नेम्स के लिए हमने क्या करना है, इसको अपर केमल केस रखना है, सही है। तो ये कन्वेंशन आप लोगों ने भी यहां पर फॉलो करनी है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूं, अच्छा, स्केफल्ड एंड
देन मुझे स्केफोल्ड में जस्ट बॉडी चाहिए, सही है। और बॉडी में मैं राइट नाउ एक जस्ट कंटेनर डाल देता हूँ और उसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट सॉरी कलर्स डॉट रेड। एंड यहां पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी वो कौन सी होगी, स्प्लैश स्क्रीन होगी, सही है। तो आपने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन मेंशन करना है। तो ये बता रहा है कि ये नहीं आ रहा, अब उस फाइल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है, सही है। तो अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो आप इसको जस्ट Alt Enter करके करके ना, अब वो यहाँ से ऑटोमेटिकली खुद सॉरी अगर आपने क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है तो वो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। बट ये यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही, ऑटोमेटिकली तो इंपोर्ट होनी चाहिए। चले हम यहाँ पर अच्छा स्पेलिंग का मसला है, इस वजह से इंपोर्ट नहीं हो रही, सही है। अगर वहां से इंपोर्ट नहीं हो तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। स्प्लैश था ना, ये देखें स्प्लैश सॉरी चले हम यहाँ से करते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा यहाँ पर। तो यहाँ पे Alt Enter प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगी, सही है। सो यहाँ पर हमने स्प्लैश स्क्रीन इंपोर्ट कर ली, सही है। तो हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन हमें यहाँ पर दिखेगी वो कौन सी होगी, वो स्प्लैश स्क्रीन होगी, क्लियर। चले इसको कलर की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चाइल्ड देता हूँ टेक्स्ट सॉरी सेंटर एंड उसका चाइल्ड टेक्स्ट एंड उसको मैं कर देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा अभी जो काम मैं कर रहा हूँ ना, अभी आप लोगों को अजीब नहीं लगेगा, सही है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, सही है, जिसने थोड़ी बहुत हैंड ऑन प्रैक्टिस की है चीज की, सही है। तो उसको चाइल्ड भी थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा, सही है। बट जिसने नहीं की वो मोस्टली मे भी उसको लगे कि यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सही है। तो अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया, तो आप अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा फोकस करें, सही है। यहाँ पर अच्छा वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पर माय ऐप का विजिट है ना, अच्छा माय ऐप के विजिट के अंदर ही हमारे पास होम है, तो होम में मैंने स्प्लैश स्क्रीन दिया हुआ, सही है। तो मटेरियल ऐप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको मैं करता हूँ सेव, बल्कि सेव हाँ, जब मैंने सेव कर दिया है तो आप देखें मेरे पास जो फर्स्ट स्क्रीन आई है वो कौन सी है, स्प्लैश स्क्रीन। इसको हम रिस्टार्ट करते हैं, हमारे पास फोर टाइम बींग कौन सी स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन है यहाँ पर, सही। तो हम राइट नाउ स्प्लैश स्क्रीन पे है। अच्छा डिजाइन हमें क्या बता रहा है, डिजाइन हमें ये बता रहा है कि आपका जो स्प्लैश स्क्रीन है वो कुछ और है, सही है। हमने अभी वो स्प्लैश स्क्रीन का उस स्प्लैश स्क्रीन का हमने डिजाइन बनाना है, क्लियर। अच्छा डिजाइन बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सही है। मैं इस डिजाइन को थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ वर्ड में आप लोगों के लिए कि इसको अभी हम बनाएंगे कैसे। तो डिजाइन बनाने से पहले आपने ब्रेक डाउन करना जरूरी है, आपको समझ आनी चाहिए कि डिजाइन काम कैसे करेगा। अच्छा यहां पर आते हैं, ये मेरे पास स्क्रीन है, सही है, जो आपको वहां पे नजर आ रही है। एंड देन हमारे पास नीचे कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास वो थोड़ा सा कैलकुलेटर का जो टेक्स्ट है वो नजर आ रहा है, सही है। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास जो दूसरे विजिट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ विजिट्स और भी हैं इसमें, सही है। इसके जो चिल्ड्रन है, बस वो टाइमिंग उसको मैं जस्ट ये बना के, ये फर्स्ट विजिट हो गई लेट्स सपोज, इसको मैं कर देता हूँ शेप, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, तो एक यहां पर है वो शेप तकरीबन तकरीबन कुछ यू बन रही है ना, अंदाजन कुछ यू बन रही है, सही है। तो हमारे पास लेट्स सपोज हमने ये बनाना है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओवरऑल ब्रेकडाउन करना है,
आपके पास अभी हम हैं होम पे, सही है। इसको हमने टॉप टू बॉटम ब्रेकडाउन करेंगे, सही है। फर्स्ट ब्रेकडाउन हम लगाते हैं, एक सेक्शन हमारे पास ये है, ये वाला पूरा सेक्शन है, सही है। एक सेक्शन हमारे पास ये है और एक सेक्शन इसके नीचे वाला है, सही है। तो हमारे पास दो सेक्शन है, सही है, और दोनों दोनों सेक्शन किस तरह अलाइंड है, वर्टिकली अलाइंड है, सही है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट अगर हमें चाहिए तो हमें टॉप पे कौन सा विजेट चाहिए, कॉलम चाहिए, सही है। इसमें दूसरी बात, जो दोनों विजेट है बिल्कुल सेंटर में अलाइन है, सही है। तो जो उसकी जो चिल्ड्रन की अलाइनमेंट होगी वो कौन सी होगी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर में होगी, सही है, सही। फिर हमारे पास ये वाला विजेट है, बस ये तो हमारे पास जैसे टेक्स्ट विजेट है, उसको उसका तो इतना मसला नहीं है, हम डाल देंगे, सही है। अब ये विजेट जो हमारे पास है, अब ये देखिए बिल्कुल राउंडेड है, सही है। तो यहाँ पर आपको कंटेनर के जो मल्टीपल यूजेस हैं वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता चलेगा, सही है। कंटेनर के थ्रू हम ये विजेट बना सकते हैं, उसको फुली राउंडेड एक विजेट बना सकते हैं, सही है। उसके अंदर फिर क्या है, उसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास वर्टिकली अलाइन है, सही है। एक सेक्शन हमारे पास ये वाला है, सही है, एक सेक्शन हमारे पास ये है, तो ये भी वर्टिकली अलाइन है, सही। तो जो ये राउंडेड जो कंटेनर होगा उसके अंदर हमें कॉलम चाहिए होगा इन दोनों को अलाइन करने के लिए, सही। अब फिर हमारे पास ये दो जो विजेट्स हैं, ये दो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए फिर हम क्या डालेंगे, वहां पे हमें एक रो चाहिए होगा वहां पे, क्लियर। सो इस आप लोगों ने इस तरह चीजों को थोड़ा ब्रेक डाउन करना है, तो फिर आपको आपके लिए इस विजेट को बनाना, स्क्रीन को बनाना सिंपल होगा, क्लियर। तो हम आते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ, इसको बनाते हैं, सही है। वहां पर मैंने जस्ट तीन आइकन्स डाले थे, बट यहाँ पे थोड़े ज्यादा है, बट आपको ओवरऑल समझ आ गई है। हमारे पास एक रो होगा, इसके अंदर हमारे पास कॉलम होगा जो व्हाइट कंटेनर है, सही है। उसमें हमारे पास एक रो होगा और दो और जो आइकन्स होंगे, क्लियर। और ये हमारे पास ओवरऑल एक सिंगल क्या होगा, सिंगल एक रो होगा, सॉरी कॉलम होगा, उसके अंदर ये सारे एक दूसरे के साथ जो परफेक्टली अलाइंड होंगे, जिस तरह यहाँ पर अलाइंड है, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से कलर उठाना है, सही है। तो मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ, कलर पिकर, ओके। सो ये कलर मैंने पिक करना है, तो यहां से मैंने ये कलर पिक कर लिया, क्लियर। ये इसका कलर कोड है, सही। कलर कोड की आई थिंक आप लोगों को समझ तो आती होगी, yes, ये कलर कोड था मेरे पास, ये सही है। ये हमारे पास हेक्स में होता है, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में होता है, सही है। तो ये हमारे पास है कलर कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ये जो जितने कलर्स हैं ना, ये उठा के अपने साथ सेव कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कोर का, सही है। कोर के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाना है, इसको कॉन्स्टेंट्स का नाम देंगे, सही, कॉन्स्टेंट है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ डार्ट की, डार्ट का एक फाइल बनाता हूँ, उसमें बना देता हूँ कलर्स, सही है। इसमें सारे कलर्स जो मैंने यूज करने हैं अपने ऐप के लिए, वो सारे कलर्स को मैंने यहाँ पे रखना है, क्लियर। अच्छा कॉन्स्टेंट इसको मैं करता हूँ मेन थीम कलर में नाम देता हूँ उसको, सही है। मेन थीम कलर हमारे पास क्या है, अगर आपने एक कलर कोड यूज करना है कलर के लिए, सही है, तो उसको आप कैसे यूज करेंगे, आपने जो कलर का जो क्लास है ना वो डायरेक्टली यूज करना है, सही है। कलर की क्लास में हमारे पास होता है जीरो, अगर आपने रखना है इसको, हमने रखना होता है जस्ट स्टार्ट में जीरो एक्स एफ एफ आपने लगाना होगा, और उसके बाद आपने उसका कलर कोड डालना है, और उसकी आपको मैं फिर एक वजह बताऊंगा कि ये हम किस तरह डालते हैं और क्यों डालते हैं इसको, सही है। हमारे पास फर्स्ट कलर आप लोग देखिए यहाँ पर आपके पास ये कलर आ रहा है, सही है। अच्छा इसके जो दो फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं ना, ये ओपेसिटी के लिए होते हैं, ओपेसिटी के लिए मतलब कि ये कलर हमारे पास कितना ओपेक होगा, सही है। तो ये जो फर्स्ट एफ एफ है ना, ये मैंने बिल्कुल इसकी ओपेसिटी मैंने जीरो रखी है, सही है। मतलब इसके पीछे कोई और कलर नजर नहीं आएगा, सही। तो ये हमारे पास जो हमारा मेन थीम कलर है वो एक आ गया है, सही। अब हम आते हैं जो दूसरे कलर्स हैं उसको भी उठा लेते हैं यहाँ से। अब हमारे पास ये ग्रीन बटन कलर जो है, सही है, ये हमारे पास मेन थीम कलर था, तो ये भी वही मेन थीम कलर यूज हो रहा है यहाँ पर। अब हमने करना है ये जो वाइट
ग्रे टाइप कलर है ये हमने उठाना है, फिर ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये इसका बैकग्राउंड का कलर है, ये भी हमने उठाना है यहाँ से, सही है। अब यहाँ पर तो मैं यहाँ पे डिजाइन से उठा रहा हूँ, जो यहाँ पर ये डिजाइन है, सही है, कलर पिकर यूज करके, सही है। आपको जो डिजाइन मिलेगा एक्सडी का, एडोब एक्सडी का, सही है, उसमें सारे कलर मौजूद होते हैं, सही है। उसके भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कलर वहां से कैसे उठाना है, उसको यूज कैसे करना है, उसको मैं किसी सेशन में फिर यूज कर लूंगा, सही है। बट फॉर टाइम बीइंग आप लोग यहाँ से ये सीखें कि आपने इसको कैसे यूज करना है, ये वाला कलर है ना। अच्छा, जो सेकंड कलर हमारे पास है वो यही था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सही है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ग्रे बैकग्राउंड कलर है ना, उसको मैं बीटी कलर कर लेता हूँ, सही है, ग्रे बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर उसका मैं कलर कोड पेस्ट कर लेता हूँ, सही। आई थिंक वो कलर सेम है, चलिए इसको मैं करता हूँ डार्क ग्रे बीटी कलर, और उसके लिए मैं ये वाला कलर उठा लेता हूँ। आई थिंक ये दोनों कलर तकरीबन सेम आ रहा है, सही है। ये वाला कलर हम उठाते हैं, तो वही कलर आ रहा है, सही है, वही कलर है। चले सही है, ये कलर सही है, ये हमारे पास वो बैकग्राउंड का कलर है और ये दूसरा कलर है, सही है। कलर में मसला है, उसको तुम थोड़ा सा वहां पे भी डार्क कर सकते हो। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके, सो दो कलर हमारे पास यहाँ से आ गए हैं, जो बाकी कलर है उसको भी हम उठाते हैं। ये कैसा कलर आ गया, ठीक कलर था ना। ग्रीन बटन कलर, सही है। एक हमारे पास जो रेडिश टाइप कलर है ये वाला, सही है, या ये हम यहीं से डायरेक्टली वहां पर डायरेक्टली रेड कलर यूज कर लेंगे, सही है। तो हमारे पास जो तीन कलर्स हैं यहाँ पर आ गए हैं, सही है। ये प्रोसेस आपको समझा था कि आप लोगों ने कलर्स अपने कैसे रखने हैं, कहाँ पर रखने हैं, सही है, जो कॉन्स्टेंट कलर थे तीन के। एक तरीकेकार तो हमारे पास ये है अपना थीम सेट करने का, सही है। थीम का तरीका एक और भी है, बट राइट नाउ हम उसको फिलहाल स्किप कर लेते हैं। तो अभी हमने आना है जो अपना मेन लेआउट है वो बनाते हैं, सही है। हमारे पास यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन पे क्या होगा, हमारे पास एक कॉलम होगा, सही है, टॉप कॉलम जो है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाता हूँ यहाँ पर बॉडी में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, सही है। इसको हम करते हैं मेन थीम कलर, उसको मैंने वो मेन थीम कलर जो हमने वहां पर बनाया था कॉन्स्टेंट फाइल में वो मैंने असाइन कर दिया है। अब बॉडी की तरफ आते हैं, तो बॉडी में हमारे पास होगा एक कॉलम, सही है, उसके अंदर होंगे अभी चिल्ड्रन, तो इसको मैं करता हूं, सही है। तो हमारे पास जो टॉप का कॉलम है वो हो गया है, सही है। अब जो सेकंड हमने बनाना है वो राउंडेड कंटेनर है ना, तो उसको मैं यहां पर कमेंट लिख लेता हूं, जो राउंडेड कंटेनर है, राउंडेड कंटेनर, सही है। तो राउंडेड कंटेनर में क्या है अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास वो राउंडेड कंटेनर है, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कंटेनर का वीडियो यूज करूंगा, एंड उसके बाद क्या है, एक टेक्स्ट का विजेट है, सही है, टेक्स्ट विजेट है, उसमें कैलकुलेटर लिखना है, क्लियर। तो ये हमारा जो मेन डिजाइन है वो हो गया है, सेव करते हैं इसको,
बट हमें यहाँ के स्क्रीन पे कुछ खास तो नजर नहीं आएगा, एनी हाउ देखते हैं क्या नजर आता है हमें। सही है, जस्ट वो एक कलर है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही, तो हम क्या करते हैं इसका कलर जो है ना वो करते हैं स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंटेनर है ना इसका कलर हम करते हैं कलर्स, सॉरी कलर्स डॉट वाइट कर लेते हैं। ये कलर डॉट वाइट हो गया और इसका स्टाइल करते हैं टेक्स्ट स्टाइल एंड इसका कलर वाइट कर लेते हैं। ओके सो यहां तक हमारा, अभी हम स्प्लैश स्क्रीन पे ही हैं बट हमें यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है। ओके अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा, इसको हम करते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। सही है, क्योंकि हमारे पास जो विजिट्स है उसको हमने बिल्कुल करना था सेंटर। अब ये देखें हमारे पास सेंटर में आ गए हैं, ये कैलकुलेटर का जो असल में ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा था यहाँ पर, सही है, तो इस वजह से हमें नजर नहीं आ रहा था। अब हमारे पास जो कंटेनर है, कंटेनर भी है यहाँ पर बट उसको हमने कोई विड्थ एंड हाइट नहीं दी। सही है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली श्रिंक रैप होता है। सही है, तो अगर इसके अंदर कुछ है नहीं तो श्रिंक रैप का मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो गया और हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उसको मैं थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ देता हूँ इसको जो कंटेनर है, इसको मैं करता हूँ हाइट 100 एंड विड्थ 100। अभी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये देखें। सही है, बट ये कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है और उसकी वजह जो है ना वो क्या है, हमारे पास कॉलम जो है ना वो श्रिंक रैप है, उसकी वजह से वहां पर आ रहा है। तो कॉलम को हम क्या कर देंगे, कॉलम को हम सेंटर कर देंगे। सही है, तो कॉलम को हमने सेंटर कर दिया। अब हमने करनी है जो कॉलम है ना इसकी स्टाइलिंग करनी है, इसको हमने राउंड करना है। सही है, बट राउंड करने से पहले इसका साइज मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। सही है, आपके पास जो एक्चुअल डिजाइन होगा ना आपको वहां पे उसमें उसका पूरा साइज मिलेगा। सही है, बट यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल डिजाइन नहीं है, डिजाइन फाइल नहीं है, तो उसकी वजह से मेरे पास मुझे पता नहीं लग रहा कि इसका साइज कितना होगा। सही, अच्छा कंटेनर के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं डेकोरेशन का। सही है, इस डेकोरेशन के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे, इसका जो जितना भी यूआई है ना उसको हम चेंज करेंगे। सही है, इसमें हम देते हैं बॉक्स डेकोरेशन, इसमें ये शेप का एक ऑब्जेक्ट है बॉक्स शेप टू डॉट सर्कल करते हैं। अच्छा जब इसमें इसको मैंने यहाँ पर मैंने डेकोरेशन यूज की है तो ये मुझे एरर दे रहा है कंटेनर। सही है, और इस एरर की जो मेन वजह है ना वो ये है, जब आप यहाँ पर बॉक्स डेकोरेशन यूज करते हैं ना तो आप कलर फिर बाहर यूज नहीं कर सकते, कलर आपने फिर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही यूज करनी है। सही है, यहाँ तक हमारा हो गया है जो वो मेन जो लेआउट था तकरीबन वो बन गया। सही है, यहां तक तो हो गया। अब हमने इसके जो अंदर विजेट्स हैं वो बनाने हैं। हम यहां पर देखते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड माइनस। सही है, तो अब ये विजेट्स हमने यहां पर एडजस्ट करना है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए कंटेनर के अंदर। सही, ये राउंडेड कंटेनर था, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, कॉलम। अच्छा तो जो कंटेनर का चाइल्ड है उसमें हम क्या कर देंगे, एक कॉलम लगा देंगे। सही है, और उसके चिल्ड्रन अभी हम डिसाइड करते हैं कि चिल्ड्रन में क्या क्या होगा। सही, तो कॉलम तो आ गया। सही है, अब यहां पर देखते हैं जो कॉलम का जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट रो है, ये देखें इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम एक रो यूज करेंगे। सही है, रो एंड उसके चिल्ड्रन में क्या होगा, उसके चिल्ड्रन के अंदर ये दो जो आइकन्स हैं ये होंगे। आइकॉन एंड आइकॉन्स डॉट एड एंड दूसरा हमारे पास क्या था,
मल्टीप्लाई था, सही है। यहाँ पर एक और आइकन था, आई थिंक इसको क्लियर का आइकन बोलते हैं, क्लियर, सही है। तो दो आइकन यहाँ पर आ गई है, सही है। इसके बाद फिर यहाँ पर रो रो ऑफ टू आइकन था, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक और आइकन चाहिए था हमें, वो सिंगल आइकन है। उसका साइज क्या है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फॉर टाइमिंग दूसरे जो आइकन है वो मैं यूज नहीं करता, सही है। फर्स्ट इसकी जो साइजिंग है वो मैं ठीक करता हूँ यहीं पर, सही, कलर साइजिंग, और इसको फिर हम नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा अब ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास डिजाइन में आ रहा है, बट वो कहाँ पर आ रहा है, साइड पे आ रहा है, सही है। बाहर तो नहीं आ रहा, ये वही कॉलम के अंदर ही आ रहा है, बट कॉलम को हमने राउंड किया हुआ है, वो उसके एजेस नजर नहीं आ रहा, सही है। तो जो ये कॉलम का विजेट है, कॉलम को हम क्या कर लेंगे, मेन मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे और क्रॉस एक्सिस में भी इसको सेंटर कर देंगे। सही है, बट स्टिल ये लेफ्ट पे आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि कॉलम हमारे पास लेफ्ट पे जा रहा है, ये असल में वो कॉलम आ रहा है, बट इसको हमने कहा क्या करना है, अभी इस कॉलम को हम कर देंगे सेंटर। बॉक्स डेकोरेशन एंड उसको हमने सेंटर कर दिया सेंटर में। अच्छा अच्छा सही है, नहीं नहीं कॉलम उसमें, इसमें असल में एक और बात है। अब हमारे पास ये कॉलम है, सही है, कॉलम के अंदर हमारे पास रो है, तो रो को भी हमने सेंटर अलाइन करना हो, सही है। तो इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसको क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, तो ये आपके पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अभी ये देखो सेंटर में आ गए हैं दोनों आइकन्स, सही है। अच्छा तो ये काम तो हो गया है, अभी करना ये है आगे कि जो दूसरे आइकन है वो हमने डालने हैं इसमें। अच्छा सिस्टम थोड़ा लगाओ, ओके। अब इस इन ये जो आइकन है इसका थोड़ा साइज ठीक करना है, सही है, और दूसरा इसका कलर ठीक करना है। कलर तो आई थिंक सही है, कलर तो यही है इसका, यही रहेगा। इसका बट साइज ठीक करना है, सही है। इसका साइज हम थोड़ा कर लेते हैं 20 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 20 तो वही है, 30 कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, सही है। एक्चुअली अब ये जो आइकन्स थे ये इतने बोल्ड नहीं है ना, तो स्कूल में 30 कर लेता हूँ, अब कुछ बेहतर हो गया पहले से, सही। और अब क्या करते हैं, जो सेकंड है, चलिए ये तो हो गए हैं ये आइकन्स, सही। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें दो आइकन्स और चाहिए थे ना, वो रो के बाहर है, सही है। हाँ यहाँ पे एक आइकन एंड यहाँ पे दूसरा आइकन, यहाँ पे था डिवाइड का, अब मुझे नहीं पता कि डिवाइड का आइकन मुझे यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। चले एनी हाउ डिवाइड का तो मुझे मुश्किल से मिलेगा यहाँ पर आइकन, तो उसकी जगह मैं कोई और आइकन यूज कर लेता हूँ, सही है। तो उसकी जगह मैंने ये आइकन यूज कर लिया, सही है। एंड देन उसका है माइनस का, तो माइनस का तो मिल जाएगा, मिनिमाइज का। अब हम देखें हमारा डिजाइन तकरीबन असल में ये आइकन जो है ना ये मुझे सही नहीं मिल रहा डिवाइड का, सही है। अगर आपको मिल जाए तो आप उसको यहाँ पर लगा ले तो एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ रोटेटेड डिवाइडेड आइकन है, सही है। तो उसको आप लोग फिर खुद अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें, सही है। यह हम एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं करता हूँ बट वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस आइकन को मैं रोटेट कर रहा हूँ एंड इसको मैं करता हूँ साइज, सॉरी एंगल, एंगल इसको मैं देता हूँ 90,
आइकन को मैं रोटेट करके मैं एंट्री एंगल में डाल दिया इसमें। अच्छा ये कितना एंगल इसको मैंने 90 दिया है ना, तो 90 पे तो बिल्कुल सीधा आना चाहिए, बट ये सीधे क्यों नहीं आ रहा। एक मिनट इसकी साइज देखते हैं कि क्या डबल है। चलो एनी हाउ यहाँ पर आपको एक आइकन चाहिए और उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो भी आप यूज करना चाहें, सही है। बट राइट नाउ डिवाइड का आइकन हमें नहीं मिल रहा, तो उसके बजाय मैंने यहाँ मैं यहाँ पर क्या क्या यूज कर लेता हूँ, मिनिमाइज का आइकन यही यहाँ पर भी फिलहाल मैं यूज कर लेता हूँ, क्लियर है। तो ये तकरीबन ये देख लें आपका वो डिजाइन बन रहा है जो वहां पर कैलकुलेटर का है, सही है। जस्ट आपने यहाँ पर ये आइकन चेंज करना है, सही, आइकन चेंज करके आपको एग्जैक्टली वही डिजाइन मिल जाएगा जो वहां पर भी बना है। अब यहाँ पर आते हैं हम नीचे कैलकुलेटर का जो विजेट है, कैलकुलेटर का जो टेक्स्ट है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, सही है। ये कैलकुलेटर ओके आई डोंट नो क्या इशू हुआ यहाँ पर, बट वी आर लेट। ओके स्क्रीन शेयर नहीं हुई, ये स्क्रीन शेयर करके देन दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके सो फॉन्ट वेट उसका ज्यादा कर देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट इसको करते हैं बोल्ड, और फॉन्ट कलर तो हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, फॉन्ट साइज सॉरी उसको करते हैं 20। ओके दरमियान में कोई छोटा सा इशू आ गया था तो उसकी वजह से दोबारा से आपको ओके तो यहाँ तक हमारा ये डिजाइन बन जाता है, सही। डिजाइन तकरीबन उस जैसा ही है जैसा आप लोगों ने आइकन चेंज करना है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब दूसरा ये कि यहाँ पे हमें सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोग नो सर शो नहीं हो रही। वन मिनट तो यहाँ तक हमारा जो मेन डिजाइन था वो बन गया है। अब जस्ट हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक साइज बॉक्स डाल के थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ इसको, साइज बॉक्स एंड उसको मैं हाइट देता हूँ 20। सही, तो अब आप लोग अगर देख लें तो तकरीबन तकरीबन हमारा हमारा वो डिजाइन बन गया है, सही है। अब जो थोड़ी सी डिफरेंस आपको अगर नजर आ रही है वो है फॉन्ट की, सही है। इसका फॉन्ट चेंज है और उसका फॉन्ट चेंज है, सही है। तो अगर हमें इसका फॉन्ट यहाँ पे मिल जाए तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट इन्होंने यूज किया है कौन सा, अच्छा चलिए फॉर टाइम यहाँ पे फॉन्ट अगर है भी तो राइट नाउ उसको हम एडजस्ट नहीं करते हैं। यही तक हमारा जो फर्स्ट जो स्प्लैश स्क्रीन है वो यहाँ तक बन गया है, क्लियर। अब स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो एक्चुअल चैलेंजिंग यूआई है उसकी तरफ हमने आना है, सही है। अभी तक तो यहाँ पे गपशप था, अभी हमने सही यूआई तो अभी बनाया, सही है। बट एनी हाउ आप लोग उस प्रोसेस से गुजर गए, सही है। कंटेनर को हमने यूज किया है वो राउंडेड आइकन बनाने के लिए एंड ऑल ऑफ दिस, सही है। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन सामने लाए, अगर आप में से किसी के क्वेश्चन है तो यहाँ पर चैट में शेयर कर लें, और अगर यहाँ पर किसी के क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। यहाँ तक हमारा जो डिजाइन है तकरीबन तकरीबन वो बन जाता है।
आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है। ऑनलाइन में अगर किसी के क्वेश्चन है तो करें क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं फॉरवर्ड। ओके, आई थिंक किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा स्क्रीन जो है उसको बनाते हैं। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेविगेट करना। इस स्क्रीन से हमने नेविगेट करना है नेक्स्ट स्क्रीन पर, सही। तो नेविगेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है। मेरी आवाज क्लियर है? दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो हमने इस स्क्रीन से नेविगेट करना है नेक्स्ट स्क्रीन पे, सही है। नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं और उसके बाद चलें, यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते थे। यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यहाँ से डाल सकते थे, बट अभी तक वो हमने नहीं डाला क्योंकि डिवाइड का साइन तो टेक्स्ट में है, टेक्स्ट करेक्ट टेक्स्ट विजिट आप लगा के यहाँ पे डिवाइड का साइन डाल सकते हैं, सही है। बट हमने आइकन्स यूज किए हैं तो आप लोग आइकन्स को हटा के यहाँ पर जो एक्चुअल टेक्स्ट विजिट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, सही है। और टेक्स्ट विजिट्स में ये सारे आइकन्स अवेलेबल हैं आपके पास, क्लियर, सही है। तो आप लोग ये खुद कर लें, सही है, ये आप लोगों का काम हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, अभी हमने बढ़ना है नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करना है, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करने के लिए हमें कोई बटन वगैरह चाहिए इसे हम नेविगेट कर सकें, सही है। बट स्प्लैश स्क्रीन में हमारे पास बटन नहीं होता, सही है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका जो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटफुल विजिट में, सही है। और आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि स्टेटफुल विजिट्स के जो कॉल बैक फंक्शन है, सही है, उसमें हमारे पास एक इनिट का फंक्शन होता है, उसमें फिर बिल्ड का फंक्शन है, उसमें और भी काफी सारे फंक्शन है, सही है। हमारे पास जो यूआई जब शो होने के लिए रेडी हो जाता है तो इनिट का फंक्शन कॉल होता है बिफोर बिल्ड, सही है। बिल्ड से पहले हमारा इनिट कॉल होता है, सही है, और इनिट के बाद हमारा फिर बिल्ड कॉल होता है और बिल्ड हमें यूआई बिल्ड करके दे देता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, इनिट हमारे पास एक्चुअली जस्ट वन टाइम कॉल होता है, सही है, और बिल्ड हमारे पास मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है, सही है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, हमने जस्ट फॉर नाउ हमें नेक्स्ट वीक पे जाना है तो उसके लिए इनिट को यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉल होगा, सही है, मतलब जस्ट ओनली वन टाइम कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इनिट का कॉल बैक है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, जितने